महान नेता और आप राजस्थान में डंका बजाया है तो हम आपके साथ में हैं। राजकुमार जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजकुमार जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद महोदय अपना उद्बोधन करेंगे, सब शांति पूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद। बोले गोविंद गुरु महाराज की जय। आज भादरवी 11 में आना कार्यक्रम में गोविंद गुरु महाराज के द्वारा आदिवासी कोल में हमारा राणा इलाका में एक गुरु बनी नाचा और पहली धुनी अपने आंजब गुरजी धोनी माते पारे गोविंद गुरु महाराज ने मेटकोटवाल संत कलजी मेहमानों जी परिवार है परिवार में आज अपने आज सब पधारेला पूर्व सरपंच साहब सत्यपाल जी हमारे महाराज स्थानीय सारे परिवार जन भले असुविधा थी लेकिन तमे छोटो मोटो कार्यक्रम आयोजित किया और हेता साइड वाला भगत खर्चा आमंत्रित किया हमन भी आमंत्रित किया એટલે પરિવાર જન યહાં કે સ્થાનિક ગ્રામીણ જન પૂર્વ સરપંચ સાહેબ આપ સબને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અર્પિત કરવા છે। સાથીઓ બાતે કઈ થી બાતે વસ્તન માધ્યમ થી કે થાઈ તો સાથી ફેર કે જીવેગા અમાર સંચાલક મહોદય બઢિયા ભજન ભી કરે બઢિયા વાતે ભી કરે ઘણા અંદર ભી એક લગન હૈ કે સમાજ ને બલ્લે हाने रीति हाने रस्ते अपने समाज में बोल ले। गोविंद गुरु महाराज भी चाहता था कि कोर्ट में धरती तरफ थी और ने मैट कोर्ट वाले बार ही अधिपति है और जब भी गुरुदार मानो सब चाहे कि अपने कोर्ट ने भक्ति माध्यम से कि मोरे बढ़ा तो जब गोविंद गुरु महाराज काम करता था तारे अंग्रेजों राज होते तो राजा रसवड़ में राज होते तो गोविंद गुरु महाराज ने उद्देश्य तो के आ आदिवासी कोल माते से राजा रजवाड़ा और अंग्रेज से पेट वगार लगाड़ी बधवा मजदूरी कराड़ी जबरदस्ती ले जाए पैसा नहीं आ ली बेवजह पेट वगार लगा करा दी और अमर कोल ने वर्ण व्यवस्था में अछूत मानी ने वो मानी ने अछूत अपने समाज ने मतलब हो कहता ये वर्ण व्यवस्था में शूद्र ही और शूद्र में ये अछूत है आने शिक्षा से की वंचित राखो आने ये भी शुद्ध काम है शुद्ध वचन से की वंचित राखो अमार कोण नो मन की भी अड़ी जा तो अड़वानी भी तो पेल अमार समाज की बहन बेटिया कहीं जाती तो उनको गलत नजर से देखा जाता था तो गोविंद गुरु महाराज ने दूजो के ने धरती ना मूल मालिक ते या बिल ही आदिवासी अणा देश ना मूल मालिक आपने या और आ मूल मालिक ते गुलामी और कहीं के अंग्रेज जो राजा रजवाड़ा में भेट वगार बधवा मजदूरी छुआ छूत भेदभाव थे की शिकार फैल होए तणा कोण ने आ मालिक है ना मालिक ने बताओ पड़ेगा तुम मालिक हो तो गोविंद गुरु महाराज ने विचार की तो मालिक से खाई पीन मस्त है खावा पीवा मस्त है तो हेत तो पे राणा मालिक ने मालिक में एहसास करवाड़ा पल्ले इन्हें भगत बनाड़ो पड़ेगा तो भक्ति के माध्यम से हमारे समाज के अधिकारों को लेकर लड़ने का काम देश ने इतिहास में कितनी बार वर्तमान में हो पड़े गोविंद गुरु महाराज ने सत्संग सुमाल महाराज से भक्ति करता था अगले अंग्रेज से परेशान किया है
सिर्फ अगर 32 का काम वजन और नर्गस को डुबता क्या अंग्रेजों का नजर उन्होंने दिक्कत पाती पाती सिर्फ भजन मंडली करने से या भगवान को पूजने से ही गोविंद गुरु महाराज यही कहते कि सिर्फ भजन मंडली ने भजन कीर्तन कर्म ही बीजू कई नहीं कर हुए तो राजा राजवाड़न समस्या पाती ये परेशान करता अंग्रेजन परेशान आती ये अपन परेशान करता था ना नहीं करता पर आनंद दिक्कत होती क्या भक्ति माध्यम से कि आज समाज भेंट वगार में विरोध करे भक्ति माध्यम से कि जागरूक था तो जागरूक था ही क्यों तो आज छुआछूत भेदभाव में विरोध करेगा भक्ति माध्यम से क्या समाज जागरूक था ही क्यों तो बिलवास कायम करवानी बात करे मेन बात ये थी बड़े बार कई सुना हूं कहीं भक्ति आंदोलन कायम करे सिर्फ होते भक्ति आंदोलन का अटले को अंग्रेज की गुड़जी बाजी 1500 आदिवासी मानगढ़ में मराई गया मानगढ़ वाले सिर्फ बजरा मंडली करवा बोले बेला खा जाए था सब बड़ा सिपाही कड़सी बीमारी ने जल्दी पूरा तो सीधे सा सुबह अजीपुर जाता आजे अजीपुर का पासा और दाड़े रात्रि जाता रात्रि जाए मानगढ़ वाले बातचीत करता और बेला 4 बजे पासा आता पाता तो बड़ा खड़ा दे अजीपुर का सिर्फ बजन करवा जाता बेहारा सुबह शाम खाना में अजीपुर सिर्फ बजर मंडली करवा जाता सुबह शाम परेशान कर तो पर आनंदी दर तो राजा रजवाड़ा ने नाना ने अंग्रेजा ने या बिल एक फाइन बिल राज कायम करवाने की बात करी ना केंगा और अमर बाद में टैक्स या वेट मना करवा नहीं जड़ेगा ये समस्या की होती आज कई जना हूं कई बिला अभी ने अलग अलग अमर भक्त ने गुमराह के मान कोशिश